ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। शराब घोटाला मामले में ईडी ने सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा और कारोबारी अनवर ढेबर सहित अन्य लोगों की 200 करोड़ रुपए से अधिक की चल अचल संपत्ति अटैच की। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत 7 मई को होने वाले मतदान को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा बलों की 200 से अधिक कंपनियां तैनात। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत चुनाव प्रचार अपने चरम पर पहुंचा और सुकमा जिले में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ होने की खबर, कोई हताहत नहीं। अब समाचार विस्तार से। शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी अनिल टुटेजा, कारोबारी अनवर ढेबर और विकास अग्रवाल सहित अन्य लोगों की 205 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति अटैच की है। ईडी के बयान के मुताबिक अटैच की गई संपत्तियों में अनिल टुटेजा की 15,82,00,000 रुपए की 14 संपत्तियां और अनवर ढेबर की 116,16,00,000 रुपए की 115 संपत्तियां शामिल हैं। वहीं विकास अग्रवाल की 1,54,00,000 और अरविंद सिंह की 12,99,00,000 रुपए की 33 संपत्तियां भी जब्त की गई हैं। इसके अलावा आबकारी विभाग के पूर्व विशेष सचिव अरुण पति त्रिपाठी की 1,35,00,000, त्रिलोक सिंह ढिल्लन की 28,13,00,000, नवीन केडिया की 27,96,00,000 और आशीष सौरभ केडिया की 1,02,00,000 रुपए की संपत्ति भी अटैच की गई है। गौरतलब है कि ईडी ने अनिल टुटेजा और अनवर ढेबर को हाल ही में गिरफ्तार किया था। दूसरी ओर ईडी ने कस्टम मिलिंग घोटाला मामले में खाद्य विभाग के पूर्व विशेष सचिव मनोज सोनी की गिरफ्तारी के संबंध में भी बयान जारी किया है। अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किए गए भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी जीपी सिंह को उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने राहत देते हुए उनके खिलाफ सुपेला थाना में दर्ज एफआईआर पर रोक लगा दी है। दुर्ग निवासी एक व्यक्ति की शिकायत पर जीपी सिंह के खिलाफ 2021 में सुपेला थाना में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इसमें शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि जीपी सिंह ने उनसे 20,00,000 रूपये की मांग करते हुए धमकी दी थी। जीपी सिंह ने इस एफआईआर को समाप्त करने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका लगाई थी। सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने इस एफआईआर पर रोक लगा दी है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत 7 मई को होने वाले मतदान को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा बलों की 200 से अधिक कंपनियां तैनात की गई हैं। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के अधिकारियों को आज विभिन्न जिलों में बैठकों का आयोजन कर जिले की भौगोलिक स्थिति की जानकारी देने के साथ ही संवेदनशील मतदान केन्द्रों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई। मुख्य रूप से जिले के पुलिस अधीक्षक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने केन्द्रीय सशस्त्र बल के अधिकारियों को ब्रीफ किया। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता छत्तीसगढ़ में आकर अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाएं ले रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज रायपुर लोकसभा क्षेत्र के भाटापारा के गुड़ेलिया, बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र के तखतपुर के परसदा और सरगुजा लोकसभा क्षेत्र के प्रेमनगर में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने जनता से किए गए वायदों को पूरा नहीं किया। श्री साय ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार करने का भी आरोप लगाया। वहीं मुख्यमंत्री श्री साय ने कोरबा में विभिन्न समाज के लोगों से चर्चा करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने कम समय में जनहित के कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। दूसरी ओर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक बैज ने रायपुर लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत दरसीवा के ग्राम कूरा में आयोजित चुनावी सभा ली और कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय के पक्ष में प्रचार किया। इस बीच कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य और प्रशासन प्रभारी गुरदीप सप्पल ने आज रायपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि पिछले 10 वर्षों में देश में बेरोजगारी और महंगाई बढ़ी है। राजधानी रायपुर के महाराजा अग्रसेन कॉलेज ऑडिटोरियम में भारतीय जनता पार्टी द्वारा बुद्धिजीवी सम्मेलन विजन ऑफ विकसित भारत 2047 का भारत आयोजन किया गया। सम्मेलन में बड़ी संख्या में व्यापारी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, अधिवक्ता, अर्थशास्त्री, कलाकार, प्रोफेसर, शिक्षक और पूर्व अधिकारी, भूतपूर्व सैनिक और सामाजिक संस्थानों के प्रमुख शामिल हुए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में केन्द्र की एनडीए सरकार ने देश में विकास के नए आयाम गढ़े हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने पिछली सरकारों की तुलना में नागरिकों को पारदर्शी और जवाबदेह शासन प्रदान किया है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी मौजूद थे।
दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के वैशाली नगर में आयोजित एक समारोह में पूर्व पार्षद सहित 500 से अधिक लोगों ने भाजपा प्रवेश किया। पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे, विधायक ऋकेश सेन और भिलाई नगर निगम के पूर्व सभापति राजेंद्र सिंह अरोरा ने उन्हें भाजपा की सदस्यता दिलाई। इस बीच छत्तीसगढ़ के लोक गायक गोरेलाल बर्मन ने जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे से इस्तीफा दे दिया है। श्री बर्मन ने कहा कि वे फिलहाल किसी भी राजनीतिक दल में शामिल नहीं होंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारे यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तहत अधिक से अधिक मतदान के लिए विभिन्न जिलों में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में रायपुर कलेक्टर डॉ गौरव सिंह ने आज राजधानी में पद्मश्री से सम्मानित व्यक्तियों के साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर उन्हें आमंत्रण पत्र के साथ ही पीला चावल सौंपा तथा मतदान करने का आग्रह किया। उधर मुंगेली जिले में शत प्रतिशत मतदान, मुंगेली जिले का अभियान के तहत रोजगार के लिए बाहर गए मतदाताओं को लोकसभा चुनाव में मतदान के लिए घर वापस बुलाने घर आजा संगी अभियान चलाया गया। इसके तहत महिला और बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, NRLM तथा मतदाता संगवारियों ने जिले के पलायन किए गए 22,000 से अधिक मतदाताओं से फोन पर बातचीत की। इनमें से 8,000 से अधिक मजदूरों की घर वापसी हो चुकी है। जिला प्रशासन द्वारा इन मजदूरों के घर लौटने पर उनका तिलक लगाकर स्वागत किया गया। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम जल्दी जारी किए जाएंगे। परीक्षा परिणामों के मद्देनजर विद्यार्थी तनाव में न आए, मनमाफिक नतीजे न आने पर निराश न हो और आत्महत्या जैसे घातक कदम न उठाएं, इसके लिए विभिन्न जिलों में कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। राजधानी रायपुर में संबंध में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर डॉ गौरव कुमार सिंह ने पालकों के साथ संवाद किया और कहा कि वे बच्चों पर परीक्षा और पढ़ाई के लिए दबाव न बनाएं, बच्चों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करें और परीक्षा के दौरान बच्चों को तनावमुक्त रखने के लिए बेहतर वातावरण बनाएं। कलेक्टर ने पालकों से यह भी कहा कि वे परीक्षा परिणाम से पहले बच्चों को तनावपूर्ण माहौल से बाहर निकालें। वहीं बिलासपुर में भी फेसबुक लाइव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी छात्रों और पालकों से रूबरू हुए और कहा कि यदि परिणाम अपेक्षा से कम आता है तो दुखी होने के बजाय दोगुने जोश के साथ आगे की तैयारी करें। सुकमा जिले के रायगुड़म इलाके में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ होने की खबर है। इस मुठभेड़ में कोई हताहत नहीं हुआ है। पुलिस अधीक्षक किरण चौहान ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड DRG और कोबरा बटालियन के जवान सर्चिंग पर निकले थे। इसी दौरान माओवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। मुठभेड़ के बाद माओवादी जंगल का फायदा उठाकर भाग गए। वहीं बीजापुर जिले के तर्रेम इलाके में माओवादियों ने एक ही परिवार के दो युवकों की हत्या कर दी। घटना की पुष्टि करते हुए पुलिस अधीक्षक जितेंद्र यादव ने बताया कि छुटवाई गांव के इन दो युवकों को माओवादियों ने अगवा कर लिया था। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ के छुई पहाड़ में मतदान केंद्र का निरीक्षण कर लौट रहे BSF के जवानों से भरी बस कमोसिन ढांड के पास अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। इस घटना में बस में सवार 8 जवान घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जांजगीर चांपा जिले के सारागांव थाना क्षेत्र के लखाली गांव में करंट की चपेट में आने से मछली पकड़ने गए एक व्यक्ति की मौत हो गई। सक्ती जिले की पुलिस ने IPL क्रिकेट मैच में सट्टा खिलाने के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से लाखों रूपये की सट्टा पट्टी, 2 लैपटॉप और 8 मोबाइल जब्त किए गए हैं। और कबीरधाम जिले के ग्राम दशरंगपुर में तालाब में नहाने गए 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शराब घोटाला मामले में ईडी ने सेवानिवृत्त IAS अधिकारी अनिल टुटेजा और कारोबारी अनवर ढेबर सहित अन्य लोगों की 200 करोड़ रुपए से अधिक की चल अचल संपत्ति अटैच की। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत 7 मई को होने वाले मतदान को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा बलों की 200 से अधिक कंपनियां तैनात। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत चुनाव प्रचार अपने चरम पर पहुंचा और सुकमा जिले में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ होने की खबर, कोई हताहत नहीं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।